आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने कई फिल्में बनाई एकता पे, यूनिटी पे, और ज़्यादातर फिल्मों में हीरो का रोल खुद किया उन्होंने। वो काम तो हीरो का करते थे लेकिन अंदाज विलन का होता था, और वो थे जोगिंदर। मैं तो तुम्हें जिंदा रखना चाहता था ताकि तुम कन्यादान कर सको, पर अब लगता है कि तुम्हें रास्ते से समझ गए। दुर्गा, गुस्से से नहीं, प्यार से देखो, प्यार से मुझको। मैंने उनका इंटरव्यू कई बार लिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। मेरे देखने वाले भाई बहनों को जोगिंदर का सलाम, सत श्री अकाल, जय माता दी। जोगिंदर जी, आपकी फिल्में देखने वाले ये महसूस करते हैं कि ज्यादातर फिल्मों में एकता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, इसकी कोई खास वजह? तबस्सुम जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि मैं एकता पर फिल्में बनाता हूं और मैं फख्र महसूस करूंगा, अपने इतिहास को जरूर दोहराऊंगा कि हिंदुस्तान हमारा देश एक बहुत बड़ा महान देश है, बड़ा विशाल देश है। मुसलमान भाई का ईद होती है तो हिंदू भाई ईद मुबारक करने जाता है और सेवियां खाने जाता है, और जब कभी हिंदू भाई का कोई त्यौहार दिवाली आए तो मुसलमान भाई दिया लेकर जाता है और मिठाई खाने जाता है। इसी तरह कभी किसी सरदार भाई का गुरपुरब हो तो हिंदू और मुसलमान मिलकर लंगर खाते हैं और इकट्ठे लस्सी पीते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन भाई को देख लीजिए, हैप्पी क्रिसमस करने चले जाते हैं। तो ये गुलिस्तान जो है, ये चार फूलों का इकट्ठा मिलकर बना है। कौन कमबख्त चाहेगा कि वो इस एकता को देखकर, इस प्यार मोहब्बत को देखकर उस एकता पर फिल्म ना बनाए। तो मेरी बहन, तुमने ये कहा कि मेरा फिल्में बनाने का अंदाज निराला है, हाँ होना भी चाहिए। तबस्सुम, कोई भी काम करो निराले ढंग से करो, और मेरा फिल्में बनाने का अंदाज जो है वो आशकाना अंदाज है। तबस्सुम, आशकाना ये नहीं समझना कहीं इधर उधर। हाँ? नहीं नहीं, मजाजी नहीं, हाँ? इश्क हकीकी ऊपर वाले से, और मेरा इश्क है उन शहीदों से जिन्होंने अपना खून देकर हमारी धरती माँ को आजाद कराया, जंजीरें तोड़ी। मैं पंडित तू पठान, हाँ तू पंडित मैं पठान, मैं पंडित तू पठान, एक दूजे पे कुर्बान, मैं पंडित तू पठान, एक दूजे पे कुर्बान। जोगिंदर जी, आपका ताल्लुक पंजाब से है, साथ ही साथ आप ऐसे मीडिया के एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं जिसके जरिए अवाम को बहुत कुछ कहा जा सकता है, और जाहिर है कि आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उन जिम्मेदारियों को आप कहां तक निभा रहे हैं? तबस्सुम, जब माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं तो जिम्मेदारी तो माँ बाप की उसी वक्त से शुरू हो जाती है। इसी तरह राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जहां मेरा हक बनता है वो मैं निभाता हूं और निभाता रहूंगा। पर एक बात मैं जरूर कहूं, तुमने कहा पंजाबी, इसमें कोई शक नहीं तबस्सुम मेरी बहन, मैं पंजाबी हूं और रहूंगा। उससे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। बिल्कुल ठीक। आज हमारा इतिहास, कोई भी सफा आप निकाल कर देखो, उसमें सब चीजें आपको नजर आएंगी। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह की महिमा मुंह से कही ना जाए, अपनी जिगर के टुकड़े दीवारों में चुनवाए। तो सत्यवाह गुरु गोविंद सिंह जी जो थे,
वो पंजाब के थे, उन्होंने अपने बच्चे दीवारों में चुनवाए। उन्होंने पंजाब के लिए नहीं चुनवाए, अपने देश के लिए चुनवाए। सुभाष चंद्र बोस थे, बंगाली थे, विदेश में जाकर अपनी सेना बनाई उन्होंने और दुश्मनों के साथ लड़ाई ली। बंगाल के लिए नहीं, अपने देश के लिए, तिरंगे की आन और शान के लिए। अब आप किसी को भगत सिंह को देखिए, आप भगत सिंह जी ने फांसी के फंदे को फंदा नहीं समझा था, एक फूलों का हार समझा था और चूमा था उसको और खुशी खुशी मौत को हासिल कर लिया उन्होंने। पंजाब के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए। शिवाजी मराठा को देखिए, महाराष्ट्र के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए। कोई टीपू सुल्तान हुए, महारानी झांसी हुए, महाराणा प्रताप हुए, गांधी जी हुए, जिन्होंने दो कपड़े में सारी जिंदगी बिताई, इन्होंने सिर्फ एक जाति प्रांत के लिए नहीं, अपने हिंदुस्तान के लिए जान दी। मातृभूमि जिसको अपनी सरजमीन। और मैं तो यही अपने भाई बहनों से ये कहूंगा, प्रांत तो है ही है, वो तो रहने वाले हैं ही है, कोई बंगाली है, कोई क्या है, एक दूसरे से बैठते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, पहले वो हिंदुस्तानी है, फिर वो अपने प्रांत के हैं। जोगिंदर सिंह की सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म थी रंगा खुश, और लोग उनको रंगा खुश कहते थे। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उनका नाम ही पड़ गया था रंगा खुश। वो हमेशा बहुत खुश रहते थे और बड़ी मज़ेदार बातें करते थे। कहते थे कि वो रात सबसे अच्छी रात होती है जब नींद अच्छी आ जाए, और वो सुबह सबसे अच्छी होती है जब पेट साफ हो जाए। और हाँ, वो डांसर भी बहुत अच्छे थे, खुद भी नाचते थे और सबको नचाते थे। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि जोगिंदर सिंह फिल्मों में आने से पहले पायलट थे, हवाई जहाज उड़ाते थे, और फिल्मों में आने के बाद भी उन्होंने उसी स्पीड को बरकरार रखा। लेकिन अफसोस कि आखिरी दिनों में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, किडनीज ने और लिवर ने काम करना छोड़ दिया था। 15 जून सन 2009 में जोगिंदर सिंह ये दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन हम जब भी उनकी फिल्में देखेंगे हमें रंगा खुश याद आ जाएगा। ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूँगी, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।